हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो गढ़वाली किचन रेसिपी। और फ्रेंड्स, ऐसे कई बार होता है कि हमको मीठा खाने का मन करता है और घर में कुछ रहता नहीं है, तो ऐसे ही मैं आपको आज एक रेसिपी बताती हूँ जो झटपट से बन जाती है और किचन में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उनसे ही बन जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं, देख लीजिए इसके लिए क्या क्या चाहिए होते हैं। आज हम बनाएंगे नारियल की बर्फी। इसके लिए चाहिए 2 चम्मच घी, कंडेंस मिल्क, नारियल का बुरादा, 4 से 6 बादाम ऐसे शेप में मैंने काटे हुए हैं, 4 से 6 इलायची। तो देख लीजिए ये कैसे बनती है लगती है। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी डाल दिया और इसको मेल्ट होने देंगे। बस गैस हमने लो पे रखी है, ये डाल दिया हमने नारियल का बुरादा। ये हमने 2 कटोरी डाल दिया। अब हमको इसको लो फ्लेम में ही थोड़ा सा भूनना है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं भूनना है। फिर हम इसमें आप बड़े चम्मच से घी लीजिएगा, नहीं तो कड़छी से 1.5 कड़छी लीजिएगा घी। और फिर इसको अच्छे से मिला के ऐसे थोड़ी देर सिम आंच में इसको भूनना है। अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है और इसको ऐसे चलाते रहना है, चलाते रहो चलाते रहो। अच्छे से मैश ना हो जाए, आंच तेज नहीं करनी है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसको इसी तरह मिलाते रहना है। यहाँ पे हम डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने इलायची कूट के डाल दी है, इलायची पाउडर मुझे मिला नहीं, तो इसमें थोड़ा सा मिल्क मैं और डाल रही हूँ। ये देखिए, बस इसको, इसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस मिल्क ऑलरेडी होता है मीठा। और अब हम इसको आँच को कर देंगे बंद और इसको प्लेट में निकालते हैं। आप घी से एक प्लेट को ग्रीस कर लीजिए। ये मैंने नारियल ऐसे 2 टुकड़े करके रखे हुए हैं, ऐसे इनको हम अलग निकाल देंगे। इस पर प्लेट को कर लेंगे हम घी से ग्रीस। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का यूज़ करिए, अदरवाइज इसमें ऐसे ही घी लगा दीजिए। देखिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब मैं इसको, ये देखिए, बस हमारी प्लेट हो गई रेडी। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है ना। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना कितनी अच्छी। तो ये हमने सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनाई है, और आप भी बनाओ, आप भी खाओ। पसंद आएगी तो मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि आपको अगली कौन सी रेसिपी देखनी है ऐसे ही झटपट बनने वाली। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना क्लियर शेप आया है। आप भी बनाइए, खाइए, और मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।